सहकारिता विभाग में इन दिनों पोस्टिंग का खेल चल रहा है। हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है। राजस्थान सहकारिता सेवा के 3 सीनियर ऑफिसर इसके गवाह हैं। सहकारिता सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अब तक 3 अलग अलग आदेश जारी हुए। हर आदेश में एक एक वरिष्ठ अधिकारी को जबरन एपीओ किया गया। हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी करके सहकारिता विभाग को अधिकारियों के पदस्थापन में उनकी वरिष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखने के आदेश दिए थे। बावजूद इसके विभाग में अंदरखाने अधिकारियों के तबादले में हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी की जा रही है। इसका पहला मामला आपको बताते हैं। सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार शोभिता शर्मा को एपीओ किया। राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण में सहकारिता विभाग के लिए आरक्षित सदस्य पद पर कार्यरत थी। इसी साल की शुरुआत में उन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। सरकार ने एडिशनल रजिस्ट्रार एमपी यादव का सहकारी अधिकरण में सदस्य के पद पर पदस्थापन कर दिया। शोभिता शर्मा को किसी पद पर नहीं लगाया गया, जिसके चलते उन्हें जबरिया एपीओ होना पड़ा। वहीं दूसरा मामला, जोधपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सचिव पद पर ज्वाइंट रजिस्ट्रार शुद्धोदन उज्जवल को लगाया गया। इससे पहले वो उप रजिस्ट्रार संस्था पंजीयन जोधपुर के पद पर कार्यरत थे। सचिव पद पर कार्यरत संयुक्त रजिस्ट्रार राजेंद्र प्रसाद ओझा को किसी पद पर नहीं लगाया गया। सेवानिवृत्ति के नजदीक बैठे अपने संवर्ग के सबसे वरिष्ठ अफसर को सरकार ने एपीओ किया। तो अब बात तीसरे मामले की। अतिरिक्त रजिस्ट्रार रेणु एस अग्रवाल को कहीं नियुक्ति नहीं दी गई। अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में प्रबंध निदेशक पद पर ये कार्यरत थी। सरकार ने उप रजिस्ट्रार बजरंग लाल को अजमेर सीसीबी में अधिशासी अधिकारी लगाते हुए प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा। रेणु एस अग्रवाल को किसी अन्य पद पर नहीं लगाया गया। भीलवाड़ा सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार है, लेकिन स्थानांतरण आदेश में वो स्टेटस भी क्लियर नहीं है। कोटा जोन के एडिशनल रजिस्ट्रार विद्याधर गुदारा ने 2 साल पहले सरकार की ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिसी पर सवाल उठाकर सुर्खियां बटोरी थी। तब वो सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार बन चुके थे, जिसके विरोध में उन्होंने सरकार की स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति की आलोचना की थी। फिलहाल इसी ट्रांसफर एंड पोस्टिंग पॉलिसी के चलते एक सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार, एक एडिशनल रजिस्ट्रार और एक सीनियर ज्वाइंट रजिस्ट्रार को एपीओ होना पड़ा। इनमें से किसी अधिकारी में अप्रोच को छोड़कर कोई कमी नहीं थी, ना ही उनके विरुद्ध कोई शिकायत हुई थी। अब देखना है कि पूरे मामले में सहकारिता मंत्री मूक दर्शक बने रहेंगे या कार्रवाई भी करेंगे। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।